जिले के सोयको थाना क्षेत्र अंतर्गत दिगड़ी गांव का वृद्ध दंपति काचू मुंडा और सिनी देवी पिछले 11 वर्षों से गांव से बाहर रह रहे हैं। जब उन्हें गांव छोड़ने का आदेश दिया गया तब दोनों पति पत्नी गड़ामड़ा चले गए। यह काचू मुंडा का ससुराल है। काचू मुंडा अब यक्षमा बीमारी से ग्रसित होकर काफी दुबला पतला हो गया है। काम करने में सक्षम नहीं होने के कारण काचू दंपति को खाने पीने में दिक्कतें आने लगी। ससुराल वालों ने खाना देने से मना कर दिया। तब वे सोयको थाना क्षेत्र के भुरसु गांव में आकर अपनी बेटी गांगी देवी के घर में आकर रह रहे हैं। काचू मुंडा बताते हैं कि 3 महीने पहले वे गांव गए थे। ग्राम सभा में अपनी समस्याएं रखकर गांव में रहने की इजाजत मांगी, लेकिन उनकी बातें नहीं सुनी गई। काचू मुंडा के अनुसार गांव के कुछ लोगों ने कहा कि अगर वह गांव में रहेगा तो लोग बीमार होने लगेंगे। हालांकि उनका बेटा लोदरो मुंडा को ग्राम सभा ने गांव में रहने की इजाजत दी है, इस कारण लोदरो गांव में ही रहता है। काचू बताते हैं कि कुछ दिनों पहले इसकी लिखित शिकायत उन्होंने सोयको थाना जाकर किया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। हालांकि काचू यह भी कहते हैं कि ग्राम प्रधान को उनके गांव में रहने पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन गांव के 5 लोग ही ग्राम सभा में गांव में नहीं रहने देने की बात कहते हैं। इस कारण काचू दंपति डर से दिगड़ी गांव नहीं जा रहे। बारू बेड़ा हजारीबाग के ओझा ने डायन करार दिया था। काचू मुंडा बताते हैं कि वर्ष 2011 गांव में 5 लोग सतुआ के पत्ते में अरवा चावल लेकर हजारीबाग की ओर बारूबेड़ा गांव के ओझा के पास गए थे, जहां ओझा ने काचू दंपति को डायन बताया था, जिसके बाद ग्राम सभा हुई थी और 12,000 रुपए का जुर्माना इन पर ठोकते हुए पति पत्नी को गांव छोड़ने का फरमान सुनाया गया था। इनके पुत्र लोदरों ने जुर्माने की 12,000 रुपए की जगह 8,000 रुपए का भुगतान भी किया था, जिसके बाद लोदरों को गांव में रहने की अनुमति दी गई थी। दिगड़ी गांव की मुखिया के घर जाकर मामले की जानकारी लेने की कोशिश की गई। मुखिया घर पर नहीं थी। उनसे एक शिक्षिका के मोबाइल से बात करने पर उन्होंने कहा कि मामला पुराना है और उन्हें इसकी जानकारी नहीं है। जब ग्राम प्रधान पॉलस मुंडा से बातचीत करने की कोशिश की गई, तो पता चला वे गांव में नहीं खूंटी में रहते हैं, जिसके कारण उनसे भी संपर्क नहीं हो सका। इधर एसपी अमन कुमार ने कहा है कि मामले की जांच कर जल्द कार्रवाई की जाएगी। खूंटी जिले की सभी खबरों के लिए हमसे जुड़े प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।